प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सोनीपत का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। मैं गर्व से कहता हूं मैं जो कुछ हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा हरियाणा कह रहा है फिर एक बार बीजेपी सरकार। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। अगर हाईकमान भ्रष्टाचारी हो तो नीचे लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। किसानों की जमीन को लूटा गया, राज्य को दामादों और दलालों के हवाले कर दिया गया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब किसान और दलित को होता है। जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा के भी बहुत बड़ा योगदान है। पूरा हरियाणा कह रहा है फिर एक बार भाजपा सरकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपका लोकतंत्र आपसे छीन लिया गया है। ये स्टेट आप लोग नहीं, स्टेट के बाहर के लोग चलाते हैं। स्टेट का अधिकार छीन कर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेट वापस मिल जाएगा, सही तरीका वही था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको लोकतांत्रिक हक मिल जाए। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनते ही स्टेट आपको दिलाएंगे। जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं कि पहले स्टेटहुड दो और उसके बाद चुनाव कराओ। अब ठीक है, पहले चुनाव करा दिया, मगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, वो आपको वापस मिले। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें 25.78 लाख मतदाता शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। बता दें दोपहर 3 बजे तक करीब 46% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा रियासी में 63.91% वोटिंग हुई, जबकि श्रीनगर में सबसे कम 22.62% वोट पड़े। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जहां कभी वोटिंग के बहिष्कार की बातें होती थी आज वहां रिकॉर्ड मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की हैं। दूसरे फेज में 239 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, इनमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का पहला चरण आज पूरा होने जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता 100-100 नए सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ 64,871 बूथ पर है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल की नरेला विधानसभा में सदस्यता महाअभियान में शामिल हुए। सीएम ने महामाई मंडल में बूथ संख्या 138 और 134 पर पहुंचकर क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की और उनसे बीजेपी का सदस्य बनने की अपील की है। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने और संगठन को और मजबूत बनाने के लिए तत्पर है और पूरे प्रदेश में उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है। वो ये दिखाता है कि आज शाम तक हम सदस्यता का नया रिकॉर्ड कायम करेंगे।
जिस प्रकार से आज उत्साह उमंग दिखाई दे रही है, पूरा प्रदेश एक साथ हर जिले में गांव में हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं। मैं भी आज भोपाल में नरेला विधानसभा में हमारे यहां के विधायक माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी के इस हमारे प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अभियान में शामिल हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता के जितना उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि भाजपा के प्रति जनता का प्रेम कैसा है। भोपाल में बीजेपी ने विशेष सदस्यता अभियान चलाया और इसी कड़ी में एयरपोर्ट स्थित कॉलोनी में पहुंच करके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विधि शर्मा ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। विधि शर्मा ने कहा कि आज सभी बूथों पर विशेष सदस्यता अभियान चलाया गया और हमारा लक्ष्य है कि 1,00,000 से अधिक सदस्य आज बने। सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज सदस्यता के अभियान में भी देश के अंदर प्रदेश के अंदर इतिहास बन रहा है। आज हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और 51,00,000 का टारगेट आज भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में विधानसभा ए के राजनगर में बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया, जहां दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 100 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे गर्व है कि देश में विधानसभा एक सदस्यता अभियान में नंबर 1 है, जिसका श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होंने कहा कि अब तक 1,11,000 सदस्य बनाए जा चुके हैं और आज चलने वाले अभियान में 1,25,000 सदस्य बनाने का रिकॉर्ड विधानसभा कायम करेगी। मुझे गर्व है कि आज डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मदिवस है और हमने ये प्रण लिया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पर जाकर कम से कम 2 सदस्य बनाए। तो आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं भी उद्धव भाई के वार्ड में आया हूँ और यहाँ हम लोग 2 सदस्य बनाएंगे और उसके बाद ही जाएंगे। वास्तव में 100 सदस्य बनाकर हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अपनी विनम्र कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। आज से बीजेपी सदस्यता का मोर बूथ मोर अभियान कार्यक्रम शुरू हो गया। इसमें मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में शिरकत करने पहुंचे। इस कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बगिया गांव के बूथ में शामिल हुए, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम लोगों के आदर्श पुरुष हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने विश्व को एकात्म मानववाद और अंत्योदय का पाठ सिखाया। आज जिनके मार्गदर्शन पर, जिनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग सब लोग चलकर जनसेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने अंत्योदय कार्यक्रम दिया, मतलब समाज का आखिरी छोर का जो सबसे जरूरतमंद व्यक्ति है उसकी सेवा, ऐसा सिखाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनको मैं उनके जयंती के अवसर में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भोपाल में सीएम मोहन यादव ने लालघाट स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं ने फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम मोहन यादव ने देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को याद करते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने की बात कही। एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी जिनने अपने आजादी के पहले राष्ट्र कार्य के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित किया है और न केवल जीवन अर्पित किया बल्कि अपने कर्तव्य बल पेदि पर लगातार वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती मातृ संस्था जनसंघ के समय से हमारी आइडियोलॉजी का एक बड़ा दर्शन सबके सामने और एक तरह से दुनिया में 1500 से ज्यादा वैसे तो राजनीतिक दल होंगे, लेकिन हम मान के चले कि ऐसे दलों में जो अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे दलों में भी जिस दर्शन की आवश्यकता थी, शरीर मन बुद्धि आत्मा ये जो चारों का समुच्चय मनुष्य और मनुष्य के माध्यम से होने वाले कर्मों से हम मानवता का भला करें।
जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को जिन्होंने विचार दिया और उस विचार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल बना, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है। और जन्म जयंती के इस अवसर पर आज हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी और ऐसे मुख्यमंत्री जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को मध्य प्रदेश के अंदर जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर नमन किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर नगर निगम ने आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान में भी उन्होंने हिस्सा लिया। इसके चलते गार्डन में विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ झाड़ू लगाकर कचरा साफ किया गया। इस दौरान महिला कर्मचारियों को साड़ी और किट भी वितरित की गई। साथ ही स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया गया, उसे हरी झंडी दिखाई गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के राजनीति के ऐसे चिंतक विचारक राजनेता रहे हैं जिन्होंने देश की राजनीति को नई दिशा दी, देश के आध्यात्मिक पौराणिक सांस्कृतिक भौगोलिक आधार पर देश की राजनीति हो, देश की अर्थनीति, देश की शासन व्यवस्था, हमारी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर बने और यह देश उस दिशा में आगे बढ़े, एक ऐसी नई राजनीतिक संस्कृति और एक नई विचारधारा को लेकर जनसंघ के काम को आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने शपथ ली। वे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस बने। उनको राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। सुरेश कुमार कैत का कार्यकाल 6 महीने का रहेगा। सुरेश कुमार कैत दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर जज रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस का पद 24 मई से खाली था। जस्टिस रवि मलिमठ के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव सचदेवा को कार्यवाहक चीफ जस्टिस बनाया गया था। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने सुरेश कुमार कैत के नाम की अनुशंसा की। दरअसल चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री लेने के बाद 1989 में वकालत शुरू की। उनको 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया था और 2013 में स्थायी जज के पद पर पदोन्नत किया गया। इंदौर में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 3